नमस्कार स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में मैं प्रीति सिंह आपको पता है कि देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग आर्थराइटिस के शिकार हैं और हर पांच में से एक पुरुष और हर चार में से एक महिला इस बीमारी की गिरफ्त में है एक स्टडी ये कहती है कि 2025 तक ऑस्टियो आर्थराइटिस मरीजों की गिनती में भारत दुनिया में नंबर एक देश बन सकता है ये बीमारी न सिर्फ जॉइंट्स को खराब करती है बल्कि आंख आंख दिल लंग्स के साथ साथ स्पाइन पर भी असर डालती है आज के युवाओं की बात करें तो वो भी बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस की बात करें मेंटल इलनेस की बात करें एक तरफ उसका शिकार हो रहे हैं तो वही कम उम्र में ही घुटने भी जवाब दे रहे हैं जोड़ों में दर्द अकड़न युवाओं के लिए चलना फिरना जो है वो दूभर कर रही है और ये सब कहीं ना कहीं जो घुटनों का दर्द है वो आर्थराइटिस या फिर और कई कारणों से हो सकता है वैसे बड़ी उम्र में काटलेज के घिस जाने और हड्डियों में कैल्शियम मिनरल्स की कमी से ये परेशानी होती है लेकिन युवाओं में खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान बढ़ते वजन से बुजुर्ग ही नहीं युवाओं में भी घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ रही है अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान है आपका कोई अपना इस समस्या से जूझ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि आपके घुटने जीवन भर सेहतमंद और दुरुस्त बने रहें तो हमें कॉल कीजिए और पूछिए सवाल और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक नहीं बल्कि अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जुड़े हुए हैं जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स से बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मल्होत्रा शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए साथ ही हमारे साथ जया गुप्ता जुड़ रही हैं जो कि फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए घुटनों के दर्द को कई बार लोग मामूली दर्द समझ लेते हैं और इसे अनदेखा करते रहते हैं नज़रअंदाज करते रहते हैं और खासकर युवाओं की अगर बात करें वहीं बुजुर्ग से उम्र का तकाजा मानकर शांत बैठ जाते हैं लेकिन घुटनों का यह दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया भी हो सकता है घुटनों में दर्द की समस्या भारत में पांचवी सबसे बड़ी क्रॉनिक स्वास्थ्य स्थिति मानी जाती है हालांकि घुटनों का दर्द भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में एक बड़ी शारीरिक स्वास्थ्य समस्या बन गया है। वैसे देखा जाए तो घुटनों में दर्द होना एक सामान्य समस्या माना जाता है, लेकिन घुटनों का दर्द आज हर उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है इसमें छोटी उम्र के युवाओं से लेकर बड़ी उम्र के वयस्क और वृद्ध शामिल हैं। घुटनों में दर्द का कारण कोई सामान्य चोट से लेकर गंभीर चोट लिगामेंट को नुकसान या कार्टिलेज कठोर और लचीले सफेद रंग के उतक होते हैं जो घुटने गले और श्वसन तंत्र समेत शरीर के कई भागों में हो सकता है इसके अलावा गठिया या गाउट और आर्थराइटिस या किसी तरह का संक्रमण भी घुटनों के दर्द का कारण बन सकता है हालांकि घुटनों का दर्द बढ़ती उम्र के साथ बढ़ सकता है लेकिन शरीर को मिलने वाला खराब पोषण और विभिन्न तरह की शारीरिक गतिविधियाँ जो घुटनों पर प्रेशर बनाने का कारण बनती हो वो भी घुटने के दर्द को और बढ़ा सकती है घुटनों में दर्द और कमजोरी के कारण दैनिक कामों में काफी परेशानी हो सकती है चलने उठने बैठने में तो दिक्कत होती ही है लगातार घुटनों में दर्द होने से तनाव की स्थिति बनी रहती है तो अगर आप भी घुटनों के दर्द से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहें या अपने घुटनों को बिल्कुल सेहतमंद रखना चाहें तो जो भी आपके मन में सवाल है प्रश्न है वो हमसे कीजिए क्योंकि आपको सलाह देने के लिए तीन अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार टी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं डॉक्टर मल्होत्रा शुरुआत आपसे करूँगी और एक आंकड़ा जो मैं पढ़ रही थी वो कह रहा है कि भारत में साल 2025 तक 6 करोड़ लोग घुटनों की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं थोड़ा सा बताइए और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आने वाले कुछ साल में हो सकता है कि भारत नंबर वन हो घुटनों से जुड़ी परेशानी को लेकर तो क्यों है ऐसा जी प्रीति जी बिल्कुल ठीक कहा आपने और आपने बड़ी अच्छी भूमिका इसके बारे में बनाई है एक तो आ, हमारे जो आ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है तो हम लोग ज़्यादा साल जी रहे हैं तो सारे शरीर के अंग जो हैं वो आयु के साथ जो थोड़ा घिसते हैं वो हो रहा है और दूसरा जैसे आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही कि जीवन शैली अब जो जंक फूड इतना ज़्यादा है आ, खाना जो है वो ज़्यादा है और एक्टिविटी कम है ओबेसिटी बढ़ती जा रही है मोटापा जो है वो एक मुख्य कारण है जैसा कि आपने कहा आपने ये भी कहा कि युवाओं में अक्सर आजकल डिप्रेशन है वो मेंटल टेंशन से जूझते हैं तो ये भी देखा गया कि जो लोग डिप्रेस होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं और चलते फिरते नहीं हैं तो आप अगर कुल मिला के देखें क्योंकि जीवन शैली जो है एक आयु और तीसरा जो मोटापा है इन तीन मुख्य कारणों के की वजह से और तीसरे जो हमारी जनसंख्या जो है वो अच्छी तादाद में है इन सबको मिला के मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इस भविष्यवाणी से कि हम भी 2025 तक सबसे आगे हो जाएंगे इसमें घुटनों की तकलीफ बिल्कुल अगर आयुर्वेद की बात करें हमारे साथ रमाकांत यादव जी भी हैं जो कि एच हैं डिपार्टमेंट ऑफ का चिकित्सा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से रमाकत यादव जी आयुर्वेद की अगर बात करूं तो वो घुटनों की समस्या के लिए क्या बड़ी वजह मानता है वात पित्त कफ सब बैलेंस रहना चाहिए आयुर्वेद ये मानता है क्या बिगड़ता है शरीर में जो घुटनों में दर्द होता है बिल्कुल सही है ये जैसे कि अभी मॉडर्न मेडिसिन है उसी तरह से आयुर्वेद में भी जैसे हमारी जो जीवन होता है हमारा वो लगभग तीन हिस्सों में बटा हुआ है जैसे मान हमारी एक बचपन होता है एक आप यंग एज होती है तीसरा ओल्ड एज होती है तो जब ओल्ड एज बढ़ती है उसमें एक आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है कि वायु की वृद्धि होती है वात वृद्धि मतलब एक वात वृद्धि से बहुत कोई टिपिकल वो नहीं है उसमें क्या है कि जैसे ड्राइनेस बॉडी में बढ़ती है ना जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़ा सा घिसने लगते हैं और ड्राइनेस बढ़ती है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ओल्ड एज आते आते आ जाती हैं और जो उसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं उनका जो एक न्यूट्रिशन का स्टेटस होता है वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है उनमें भी ड्राइनेस आती है तो अक्सर आप देखेंगे तो जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उसमें टर्मिनल पार्ट पे ही वो ग्रोथ ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है जब वहाँ न्यूट्रिशन कम होना शुरू हो जाता है तो फिर ये ड्राइनेस की वजह से वहाँ पर बहुत से जो सॉफ्ट इश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं तो बेसिकली एक वात वृद्धि का जो स्टेटस होता है वो इस तरीके की चीज़ होती है और उससे आपके जॉइंट की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके शरीर में आने लग जाती हैं जैसे बोन्स का मार्जिन पे थोड़ा सा कार्टिलेज का डैमेज होना बोन्स का खुरदरा होना इस तरीके की चीजें जो है वो अक्सर देखने में आनी शुरू हो जाती हैं ठीक है कॉलर्स तो, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जया ने हमें कॉल किया है गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं जया शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए आप प्रश्न पूछ सकती है अपना तो तो शुक्रिया कॉल करने के लिए से मैं जया और तमाम दर्शकों से गुजारिश करूंगी जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम रखें तभी आपकी आवाज हम तक सही तरह से पहुंचेगी और आप हमको भी सही तरह से सुन पाएंगे तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए जया आप सुन पा रही हैं तो अपना सवाल पूछिए वो क्या घुटनों में दर्द होता है बहुत आपकी उम्र क्या है जया बत्तीस बत्तीस साल हाँ ठीक है कब से समस्या है आपको ये रोज पता ये पांच साल से है आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक हाँ दिखाया था भी तो थोड़े दिन में आराम फिर बाद में ऐसा ही होता है ठीक है जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए डॉक्टर मल्होत्रा बत्तीस साल की उम्र है और हमने युवाओं की ही बात की पांच साल से इनको घुटनों में दर्द जी कुछ पूछना तो चाहेंगे आप ये भी बहुत कॉमन है सामान्य रूप से हम देखते हैं कि बहुत यंग लोगों में भी घुटने का दर्द होता है जब वो लेडीज़ में होता है तो लेडीज़ में आर्थराइटिस कॉमन है अच्छा। तो अक्सर देखा जाता है कि लेडीज में आर्थराइटिस होता है तो जो घुटनाएं घिसने से जो ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस होता है और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या जिसको हम रोमेटॉड आर्थराइटिस या दूसरी तरह का आर्थराइटिस कहते हैं उनमें मुख्य अंतर इस बात से किया जा सकता है कि एक तो सुबह उठ के कम से कम पौन घंटे से एक घंटे तक शरीर में अकड़न रहती है अगर ये है तो आपको गठिया है आपको वियर एंड टीयर वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है दूसरे जो है बाकी जोड़ अगर उसमें प्रभावित हैं, हाथों के जोड़ प्रभावित हैं तो ऐसा होता है तीसरी बात जो अक्सर देखी जाती है कि अगर वजन ज्यादा है और लोग जमीन पे बैठने का या भारतीय शैली के शौच का इस्तेमाल करते हैं या सीढ़ियाँ बहुत चढ़ते हैं तो उनकी जो नी कैप होती है जो जिसे कटोरी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में वो उसकी कार्टिलेज डैमेज होती है तो उससे भी दर्द होता है तो मुख्य रूप से हमें जब हम एक बत्तीस साल की युवती को देखते हैं स्त्री को देखते हैं कि उसके घुटनों में दर्द है दोनों तरफ दर्द है तो हम पहले ये रूल आउट करते हैं कि इनको कोई गठिया रोमेटोड आर्थराइटिस तो नहीं है अगर लोकल नी में प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर हम ये पाते हैं कि उसमें उनका वजन ज़्यादा होता है वो इस तरह का काम करते हैं जो उनके घुटने को एक तरह से कह लीजिए कि माफिक नहीं आता है सूट नहीं करता है जिस तरह ज़मीन पे बैठना आलती पालती मारना इंडियन टॉयलेट खास करके अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ये सब एक्टिविटीज़ करने से नीं में पेन हो जाता है और ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर को दिखा के एक्सरे ज़रूर करवाएँ और इसकी प्रॉपर जाँच करवाएँ तो उससे मदद मिलती है कई बार जो युवा लोग होते हैं बत्तीस साल के युवक जो पुरुष होते हैं या जो रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज के बाद जो लेडीज़ होती हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है उससे भी घुटनों में दर्द होता है वो युवा लोगों में पुरुषों में हो सकता है लेकिन स्त्रियों में युवा अवस्था में नहीं होता उसको भी हम रूल आउट करते हैं ठीक है, है। आ, जया गुप्ता हमारे साथ हैं जया जी अब थोड़ा सा हमें बताइए घुटनों में दर्द को लेकर होम्योपैथी इसे कैसे देखती है होम्योपैथी पेशेंट को एज ए होल देखती है होम्योपैथी की अप्रोच होलिस्टिक है हम पेशेंट सेंट्रिक मेडिसिन देते हैं पेशेंट को एज ए होल देखा जाता है मान लीजिए दो तीन पेशेंट हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के तो दोनों तीनों की अलग अलग दवाएं हो सकती हैं तो पहले हम सारी केस हिस्ट्री लेते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट टू टीयर होता है एक सबसे पहले हम उसका इंडिविजुअलाइज मेडिसन निकालते हैं कि उस पेशेंट के सारे जो केस है पूरा उसकी कौन सी दवा उसके कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करेगी और फिर दूसरी पैरलली हम एक एक्यूट मेडिसिन निकालते हैं जो उसकी एक्यूट टोटेलिटी को कवर करेगी और जो उसका एक्यूट पेन है उसमें आराम देगी तो इस तरह हमारा टू टीयर ट्रीटमेंट चलता है तो जो उसका एक अंडरलाइन कॉज है वो हमारी मिया, मियाजमेटिक रेमेडी कवर करेगी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दी और जो उसकी एक्यूट टोटेलिटी है उसे वो एक्यूट मेडिसिन कवर करेगी तो इस तरह होम्योपैथी पूरे पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करती है और उसके हिसाब से हम दवाई देंगे बिल्कुल ठीक है एक कॉलर और है सत्यम झाने हमें गुजरात से कॉल किया है शुक्रिया सत्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें कॉल करने के लिए बताइए आपका क्या सवाल है मेरे को थ्री इयर्स से का मल्टीपल फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है डिजीज है मेरे को तो उसके मेडिसिन के वजह से मेरे को पूरा बॉडी में पेन होता है स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है ये दोनों घुटने के नहीं फिर ये थाई के मसल्स मतलब पे और पूरा मतलब कि शरीर एकदम जकड़ता है एकदम अकबाड़ ना बैठा जाता है ना मैं बैठ जाता, बैठ जाता तो उठने में प्रॉब्लम है। ठीक है सत्यम आप अपनी उम्र भी बताइए आपकी उम्र 22 डॉक्टर मल्होत्रा जी तो बिल्कुल क्लासिकल हिस्ट्री है ये गठिया की जकड़ जाता है शरीर युवा पुरुष हैं अगर किसी भी युवा पुरुष को 6 हफ्ते से ज्यादा कमर में दर्द रहता है तो हम लोग उसके लिए गठिया के लिए जांच करते हैं ये एक खास तरह का गठिया होता है जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और घुटनों को भी इन्वॉल्व कर सकता है कूल्हे उसमें अक्सर जाम हो जाते हैं मेरे ख्याल शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होता होगा जिसमें तीन या चार ऐसे लोगों के कूल्हे बदलने की नौबत हमें नहीं आती है तो समय रहते इसको हम हमें बचाना होता है तो गठिया का अगर ठीक समय पर उपचार शुरू कर दिया जाए तो ज्वाइंट डैमेज होने से बचाए जा, जा सकते हैं जिससे कि हम लोगों की आवश्यकता उनको ना पड़े और इनको रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए एच एल नाम का टेस्ट होता है वो इन पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है और ये जरूरी ही हर तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये एंकीलोजिंग स्कॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं और इनको ध्यान देना चाहिए डॉक्टर से मिलना चाहिए रिमेटोलॉजिस्ट से मिलके अपने गठिया का इलाज कराना चाहिए और जैसे ही उनकी बीमारी कंट्रोल होगी इनकी जकड़न और सुबह उठ के होने वाली स्टिफनेस भी ठीक हो जाएगी यानी ये टेस्ट कराएं और अच्छे से जो भी डॉक्टर सलाह दे रहा है वो सब कराएं क्योंकि स्पाइन में इन्वॉल्वमेंट रीढ़ की हड्डी में इन्वॉल्वमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है आ, पेल्विस का एक्सरे चूल्हे का एक्सरे कराना चाहिए घुटने में तकलीफ है उसमें कराना चाहिए पर निश्चित रूप से ही ये गठिया है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम का क्लासिकल यंग पुरुषों में होता है युवा पुरुषों में और इनका इलाज जल्दी करेंगे तो ठीक रहेगा नहीं तो धीरे धीरे सब जोड़ जाम हो जाएगा ठीक है और रमाकांत यादव जी अगर आयुर्वेद की बात करें तो किस तरह से जैसे अभी डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर को दिखाइए एक्सरे करवाइए इलाज कराना शुरू कीजिए आयुर्वेद में किस तरह से चिकित्सा की ओर बढ़ा जाता है आ, बिल्कुल जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया लगभग वैसी ही अप्रोच आयुर्वेद में भी है और हम लोग सबसे पहले डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है सबसे पहले पेशेंट को डायग्नोस करना उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ हम लोग डाइट से रिलेटेड चीज़ें उसको बताते हैं और फिर उसके बाद दूसरा आहार विहार और औषधि तीनों चीज़ें मतलब डाइट लाइफ और मेडिसिन तीनों को ही हम लोग फिर उसी हिसाब से फॉर्मुलेट करते हैं और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया वैसे ही ये अवस्था जो है आयुर्वेद के हिसाब से आमवाद की कंडीशन कहलाती है जिसको हम लोग एंकालोजिंग स्पॉन्डालाइटिस या आर्थराइटिस से भी कोरिलेट करते हैं कई बार और उसका प्रॉपर एक इवेलुएशन और प्रॉपर उसकी चिकित्सा उसमें चिकित्सा के बहुत सी विधियाँ हो सकती हैं दवाएँ भी हो सकती हैं कुछ पंचकर्म के प्रोसीजर होते हैं वो भी होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जोड़ हैं भविष्य में जिनमें खराबी अक्सर अक्सर जैसा बताया कि जाम हो जाते हैं जोड़ तो उन उनको हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं लगातार इलाज लेने से होता क्या है कि थोड़ा सा लंबे समय तक आपका जो डिफॉर्मिटी है वो नहीं आती है और शरीर थोड़ा खुला रहता है पेशेंट की सफरिंग्स कम रहती है लेकिन चूंकि एक ऑटोमिन जैसी बीमारी होती है जैसा कि आज मॉडर्न साइंस भी कहता है तो उसको हम लोग एकदम तुरंत जड़ से नहीं हटा सकते लंबे समय तो शरीर में साथ रहती है लेकिन उसको अगर प्रॉपर मैनेज किया जाए तो रोगी को आराम भी रहता है ठीक है एक कॉलर हैं विमल ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है विमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में प्रश्न बताइए हाँ यह है मैडम की हमारा जो है यूरिक एसिड कमी बढ़ जाता है हमेशा तो जो है ये जय तो जी जो इनका सवाल है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और ये ये भी जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी क्या दोनों इलाज साथ में कराए जा सकते हैं साथ में कर सकते हैं लेकिन पहले ये डायग्नोसिस करा लें तीन को है क्या एक्सरे वगैरह जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है ये करा लें ताकि पहले पता लगे कि इनको मर्ज़ क्या है और अगर इनकी एक्यूट बहुत ज़्यादा पेन है तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके और वो इनका प्रॉपर केस लेंगे और इनकी जैसे मैंने पहले बताया हमारा टू टीयर ट्रीटमेंट होता है वो पहले इनका एक अंडरलाइन कॉज पता लगेगा एज ए होल इनको पेशेंट को देखा जाएगा और एक दवा इनकी निकलेगी वो दी जाएगी और एक एक्यूट टोटालिटी ली जाएगी और उसकी एक्यूट दवा दी जाएगी ताकि इनका पेन जो है वो ठीक हो जाए तो बिल्कुल इलाज संभव है थोड़ा टाइम लगेगा और जितना जल्दी से जल्दी ये उस इलाज को करवाएं तो उससे ये जल्दी से आराम मिलेगा बिल्कुल एक कॉलर है धीरज ने हमें कॉल किया है हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं धीरज शुक्रिया आपका भी हमें कॉल करने के लिए बताइए आपका सवाल क्या है आ, जी आ, मेरी माँ जिनका उम्र करीब सत्तर साल है उनके घुटनों में पिछले करीब दस साल से दर्द है और एमआरआई कराया था जो एमआरआई का रिपोर्ट है वो ियर हॉर्नल मीडियल तो इसमें uh, मैं जानना चाहता था कि क्या वो घुटने को रिप्लेस करने की जरूरत है या दवाई से याज डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं आप सुनिए डॉक्टर मल्होत्रा तो धीरज जी ऐसा है कि जब ज्वाइंट फोल्ड हो जाता है या घिस जाता है तो उसके अंदर जो इसके अलग अलग भाग होते हैं वो सब घिस जाते हैं तो एक जो मेनिस्कस है वो भी एक कार्टिलेज होती है दोनों हड्डियों के बीच में जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको एक जगह पे नहीं डालने देती है तो जब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है टीयर हो जाता है तो अक्सर एमआरआई पे दिख जाता है लेकिन अगर उसकी वजह से कोई घुटना अटकता नहीं है ये लॉकिंग नहीं होती है तो उसके लिए पहली बात उसके लिए अपने आप में कोई ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है जहाँ तक ऑपरेशन की बात है तो अगर एक्सरे में हमें ये इंफॉर्मेशन जो है ये जो भी जानकारी हमें एक्सरे से भी मिल जाती है तो अगर एक्सरे में हमें दिखता है कि जॉइंट में काटलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है दोनों तरफ हड्डी हो गई है जॉइंट टेढ़ा हो गया है तो उस और मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है चलने फिरने में मुश्किल हो रही है आधा किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे हैं आधा घंटा भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं दर्द की गोली बार बार लेनी पड़ती है रात को सो नहीं पा रहे हैं आना जाना बंद हो गया क्योंकि दर्द बहुत होता है तो ऐसे में सर्जरी के लिए विचार किया जा सकता है लेकिन अगर मरीज को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई तकलीफ नहीं है अपना काम कर पा रहे हैं दर्द की गोली कभी हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन में एक बार कभी लेनी भी पड़ती है और अपनी एक्टिविटी कर पाते अपना काम कर पाते हैं तो फिर ऑपरेशन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं और रमाकांत जी जैसे अभी बात हुई थी यूरिक एसिड की बात हुई थी और दो कॉलर्स ऐसे आए हैं और आम लोगों को अगर देखें तो उतना पता भी नहीं होता कि यूरिक एसिड क्या है क्यों बढ़ जाता है और उससे क्या क्या हो सकता है थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं ये घुटनों के दर्द से किस तरह से जुड़ा हुआ है देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये एक समस्या जो है सामान्य समस्या जैसी भी है हम लोग जब भी अपने ओ में बैठे होते हैं तो गाउट से रिलेटेड केसेज बहुत आते हैं जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है और ये विशेष अवस्था जो है आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो एक ये वात रक्त करके कंडीशन होती है जिसको ये हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं और अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है इस विशेष रूप से प्रोटीन की मेटाबोलिज्म में अगर कोई कमी आती है तो यूरिक एसिड का निर्माण ज़्यादा होता है और जो खान है उसके लिए बहुत सा रिस्पॉन्सिबल है जैसे मान लीजिए कोई बहुत रिच प्रोटीन डाइट कोई ले रहा है तो ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है तो ये इसका मूल कारण यही है एक तो जैसे आपके शरीर में कोई जेनेटिकली कोई ऐसा है जिसमें कि यूरिक एसिड का निर्माण ज़्यादा हो रहा है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म आपकी ठीक नहीं हो रही है दूसरा डाइट से रिलेटेड जो है वो समस्या कोई अगर आ रही है तो ये जो चीज़ें हैं ये सबसे सामान्य हैं और जब पेशेंट आता है तो सबसे ज़्यादा अगर आप उसमें देखेंगे तो कई बार पेशेंट को एक जगह सिर्फ पैर का जो अंगूठा होता है वहाँ पर ही स्वेलिंग होती है तो एक ये सामान्य रूप से प्रेजेंटेशन होता है और दूसरे क्या है कि जो छोटे जोड़ होते हैं जैसे मान लीजिए एंकल जॉइंट हो गया या हाथों के छोटे जोड़ होते हैं उनमें कई बार ये रेडनेस है पेन है इस तरीके के सिम्टम आते हैं तो जब हम लोगों के पास ये पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको प्रॉपर तरीके से उनकी हिस्ट्री लेना उनको डायग्नोस करना और उसके बाद उनको डाइट लाइफ और मेडिसिन तीन हेड में करके उनको डाइट में जो है स्पेशली जैसे प्रोटीन से रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी सी डाइट हम लोग बताते हैं कि आप जैसे राजमा है छोले है उड़द है इस तरीके की और जो है पनीर है थोड़ा सा आ, ये नॉन वेज फूड है इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखिए और थोड़ा सा जो है जो आ, पानी की मात्रा है शरीर में उसको थोड़ा हाइड्रेशन प्रॉपर रहे जिससे कि क्लियरेंस थोड़ा अच्छा होता रहे किडनी के थ्रू और फिर कुछ मेडिकेशंस होते हैं मेडिकेशन निश्चित रूप से आपको किसी क्वालिफाइड एक चिकित्सक के पास जाके उनसे बात करिए उनसे जो है प्रॉपर दवाएं लीजिए यूरिक एसिड की मात्रा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से निश्चित रूप से कम होती है इसमें कोई दो राय नहीं है बट यह है कि आप समय से आप आ जाए तो उसके कॉम्प्लीकेशन को भी हम लोग कम कर सकते हैं कम कर सकते हैं ठीक है दो कॉलर और हैं महारथ सिंह ने राजस्थान से कॉल किया है जसमीत हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं महाराज जी और जसप्रीत दोनों का स्वागत है पहले महाराज जी आप अपना प्रश्न पूछिए मोटापा काफी है है साल की जी मोटापा है, में रहती है जी और दर्द रहता है बैठने झुकने में काफी दर्द महसूस होता है ठीक है हमारे साथ होम्योपैथी आयुर्वेद और एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं आप कुछ बताइए आप किस विशेषज्ञ से जानना चाहेंगे आप किसका सहारा लेना चाहेंगे पैथी का आयुर्वेद का रमाखान जी जी देखिए आपने जैसे अपनी समस्या बताई कि थोड़ा सा आप ओवरवेट हैं और ओवरवेट होने की वजह से जो है घुटनों में आपके दर्द है तो इसका देखिए सबसे जो मूल कारण है ओबेस्टी उसको पहले तो आप किसी से सलाह लेके कोशिश करिए कि जो है वो थोड़ा सा कम हो और इसके लिए अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेद का एक अच्छा सेंटर हो तो आप वहाँ जाके पंचकर्म चिकित्सा के विषय में भी आप बात कर सकते हैं उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा शरीर का एक शोधन की प्रक्रिया दी जाती हैं जिससे आर आप आराम से पाँच से सात किलो वजन भी लूज़ कर सकते हैं एक बार आपका प्रोसीजर एक होने पर तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं दूसरे जो है अपने डाइट जो है हमारे जो डाइट के विशेषज्ञ हैं उनसे आप बात करके डाइट स्पेशली जो है आप कोशिश करिए एक सामान्य सी बात यह है कि थोड़ा रंगीन चीज़ें खाइए कलर्ड चीज़ें खाइए जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं ऐसी चीज़ें खाइए सफ़ेद चीज़ों से थोड़ा परहेज कर लीजिए जैसे नमक है चीनी है घी है पनीर है दूध है ऐसी चीज़ें थोड़ा सा कम कर लीजिए तो होगा क्या कि इससे आपकी जो कैलोरी की मात्रा है धीरे धीरे शरीर में कम होनी शुरू हो जाएगी और आप वैसे भी नेचुरली भी वज़न थोड़ा सा कम कर पाएंगे लेकिन आप थोड़ा साथ में अगर पंचकर्म करा लेंगे तो वेट आपका कम होगा ये सबसे बड़ा फैक्टर है इससे क्या होता है कि हमारे जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स हैं विशेष रूप से जो तुम्हारे घुटने होते हैं शरीर का पूरा वजन उस पर रहता है अगर आप अपना पाँच किलो वजन भी कम कर लेते हैं तो घुटनों की जिंदगी आपके कम से कम पाँच साल बढ़ जाएगी तो ये आप मान के चलिए पहला ये है बाकी दूसरा ये है कि अपने घुटनों की प्रॉपर एक आप एक्सरे करवाएं उसकी जांच करवाएं और किसी भी क्वालिफाइड चिकित्सक से आप एक बार मिल लें बहुत सी ऐसी औषधियाँ आती हैं कि जो घुटने का जो कार्टिलेज है उनको रिपेयर में हेल्प करती हैं जो हमारी जो हड्डियाँ घिस जाती हैं उनको थोड़ा सा वो मॉडिफाई करती हैं तो ऐसी औषधियाँ आती हैं और आप इसको जब यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी होगा तो प्रमुख चीज़ क्या है अपना लाइफ स्टाइल करेक्ट करके वज़न को पहले कम करिए सेकेंड ना पे उस पर आपको अपना अर्थराइटिस पे ट्रीटमेंट करवाइए उसका ठीक है जसमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जसमीत शुक्रिया कॉल के लिए बताइए प्रश्न पूछिए अपना मैम मै गुड मॉर्निंग गुड मैम जी मैम बताइए मदर का इशू है मैंने मेरी मदर की अराउंड फोर्टी फाइव है जी हाँ मैम उनका इशू इशूंड सेवेंटर्स हो चुके हैं पेन को घुटनों के पेन में जिस मैम आप सुन पा रहे हो मैम मैं आपको सुन पा रही हूँ जसमीत एक बार एक बार आप एक बार में सवाल पूछिए और सारी चीज़ें बताइए दोबारा

अच्छा तो पहले तो इनकी एक्चुअली मीनो पॉजल एज भी है आप पता नहीं बता पाएंगे पता नहीं नहीं क्या उनका स्टेटस है पर वज़न इनका बढ़ना नहीं चाहिए नंबर एक और वज़न जब बढ़ जाता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है और एक हार्मोन लेवल भी होता है ईस्ट्रोजन उसकी अगर डेफिशेंसी होती है तो भी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं तो वो भी एक सप्लीमेंट मतलब ये ले सकती हैं और विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए विटामिन डी की कमी ना हो और इनका जो अगर ये मोटी नहीं है तो थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह अगर ये करती हैं तो अच्छा है नहीं करती तो इन्हें वॉकिंग थोड़ी शुरू करनी पड़ेगी और सबसे पहले क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाएं और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो इनकी पूरी हिस्ट्री लेंगे और वो इन्हें एक प्रॉपर दवा देंगे जो एक क्रॉनिक दवा होगी क्योंकि सात साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं और एक इनका जो एक्यूट पेन है उसके लिए दवा होगी लेकिन उसके साथ इन्हें अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक करना पड़ेगा बीएमआई ठीक भी है तो भी थोड़ा देखें कि थोड़ा इनका बॉडी फैट की तरफ तो नहीं है क्योंकि इतनी एज नहीं है इनकी कि जो इनको सात साल से पेन चल रहा है और ये कह रहे हैं जब काम करते हैं तब पेन होता है वैसे कोई पेन वैसे नहीं। कोई पेन नहीं होता तो ये थोड़ा अपना या तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो थोड़ा रेस्ट लें बीच में और अगर वो कम काम कर रही हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज पर ध्यान दें कि वॉकिंग करें और लो इंपैक्ट एक्सरसाइज करें मतलब एकदम से कोई हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ना करें और कैल्शियम इंटेक कैल्शियम लेवल थोड़ा इनका देख लीजिए अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी इनको लेना पड़ेगा नहीं तो होम्योपैथी में कैल्केरिया फॉस सिक्स एक्स आती है वो चार चार गोली दिन में चार बार ये लें क्योंकि ऐसी कोई एज नहीं है कि इनको कोई ज़्यादा डेफिशिएंसी होनी चाहिए पर इनके एक बार आपको सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे एक्सरे भी कराना पड़ेगा ताकि पता लगे कि डायग्नोसिस है क्या इन्हें ठीक है तो ये सब आप और फिर किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके एक बार सारी हिस्ट्री दें बिल्कुल डॉक्टर मल्होत्रा अभी जब मैंने यूरिक एसिड की बात की तो तमाम बातें रमाकांत जी ने भी बताई और खान पान को लेकर उन्होंने बताया किस तरह से उसका असर पड़ता है थोड़ा सा मैं चाहूँगी और आप वजहों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें क्योंकि जब प्रोटीन की बात की तो हम जानते हैं आजकल जो युवा हैं वो सप्लीमेंट्स की तरफ बहुत भाग रहे हैं चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो वाइटामिन हो और जब विटामिन डी की बात आती है तो आजकल तो ये बात भी है कि हर एक का विटामिन डी कम है तो लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स और खान पान का ध्यान सिर्फ घुटनों ही नहीं बल्कि पूरी सेहत पर असर डालता है उसके बारे में थोड़ा बताइए जी प्रीति जी बिल्कुल सही कहा आपने और जब मैंने पहले बात कही कि जीवन शैली पे आ, की वजह से ये हो रहा है तो आ, जो आपने जो पॉइंट उठाया बिंदु अभी कि आहार आहार का बहुत बड़ा रोल है इसमें आ, जो प्रोटीन सप्लीमेंट जो आ, ये जो जिम में जा लेते हैं कई बार हमने ये देखा है कि उसमें कई बार स्थिरॉइड होते हैं तो उसमें कूलों पे बड़ा ख़राब असर होता है घुटनों पे भी ख़राब असर हो सकता है आ, तो उससे तो बचना चाहिए और दूसरे जैसे ये अभी डॉक्टर रमाकांत ने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है देखिए ऐसा है यूरिक एसिड बढ़ सकता है अगर तो यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बने या आप बाहर से प्रोटीन ज़्यादा लें और या आपके शरीर से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकले तो अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है आपकी किडनी ख़राब हो गई है तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है आप टी की दवाई ले रहे हैं टी की मेडिसिन पे हैं अगर तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हैं तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो तब उसकी एक प्रॉपर जाँच करानी बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये पुरुष थे तो पुरुषों में खास करके युवा अवस्था में ये कॉमन है लेकिन स्त्रियां अगर कोई 45-50 साल के जैसे वो लेडी थी अगर वो कहती कि मुझे अभी घुटनों में पेन शुरू हो गया तो मैं ज़रूर ये इस बात को सस्पेक्ट करता कि इनका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा एक और बात यह है कि जब यूरिक एसिड बढ़ता है और आपकी किडनी ठीक है और वो यूरिक एसिड जब पेशाब में निकलता है तो कई बार यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं उसमें और वो जो स्टोन्स होते हैं उनकी खास बात यह होती है कि वो एक्सरे पे नहीं दिखते हैं तो आपको यूरिक एसिड हाई है आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है आपको स्टोन है लेकिन आप उसके लिए एक्सरे कराते हैं तो वो दिखाई नहीं देता तो इन सब बातों के बारे में यूरिक एसिड के लिए जानकारी बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि एकदम पैर के अंगूठे के जो बिल्कुल बेस पे जड़ पे जो, जो जोड़ है उसमें बहुत सूजन हो जाती है यूरिक एसिड की एक और खास बात ये होती है कि वो एसिमेट्रिक होता है मतलब वो एक तरफ होता है दूसरी तरफ नहीं जैसे लेकिन और कई और बार हम बड़े सिवियर केसेस में देखते हैं कि यूरिक एसिड जमा होकर उसके पत्थर जैसे बन जाते हैं उनको हम तोफाई कहते हैं और कई बार वो इतने बड़े हो जाते हैं कि स्किन को वो एक्चुअली अल्सरेट करके उसमें घाव करके बाहर निकल आते हैं और उसमें सफेद कलर का यूरिक एसिड का जैसे फ्लूड जैसे बन के निकलना शुरू हो जाता है तो गाउट एक ऐसी बीमारी है माइल्ड भी हो सकती है और बहुत ज्यादा सिवियर भी हो सकती है तो जब आपने ये कहा कि जैसे हमारे पुराने दर्शक ने अभी कहा था कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसको हल्के में ना लें उसकी प्रॉपर जांच कराएं कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से और बाकी कुछ बीमारियां पकड़ी जाती हैं बिल्कुल दो कॉलर और हैं पूनम ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से पूनम और पीयूष आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत है हमारे कार्यक्रम में पूनम आप पहले अपना प्रश्न पूछिए जी मैम नमस्ते मैम नमस्कार बताइए मुझे मुझे मैम पहले तो दाहिने साइड में सर्वाइकल पेन था अब वो सर्वाइकल पेन बाय साइड में चला गया जिसकी वजह से मेरे कमर में मेरे मतलब मेरे पैर में भी बहुत दर्द रहता है बाय साइड में ठीक है पूनम अपनी उम्र बताइए आप मेरा उम्र ठीक है आपका वजन कितना है ठीक है पूनम आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था तब आपको पता पता चला चला सर्वाइकल है या जी जी डॉक्टर से ही पता चला था ठीक है डॉक्टर रमाकांत जी सर्वाइकल का पेन है वो कितना सिवियर तक हो सकता है उन्होंने बताया बैक में जा रहा है और जी. पैर में भी जा रहा है और वजह क्या है इसकी यूजुअली देखिए जैसा कि आपने बताया कि सर्वाइकल है बट सर्वाइकल में बेसिकली ये होता है कि जैसे सिर में चक्कर आना और गर्दन के आसपास थोड़ा सा दर्द का बने रहना कई बार गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर हल्की सी स्वेलिंग सी महसूस होना और जो नेक के मूवमेंट हैं स्पेशली वो प्रभावित होते हैं और जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ आधे हिस्से में दर्द जा रहा है तो वो सर्वाइकल का थोड़ा सा उसमें नहीं है कुछ और भी समस्याएँ साथ में हो सकती हैं सर्वाइकल एक कारण उसका हो सकता है कई बार ये देखने में आता है कि सर्वाइकल की वजह से दर्द कई बार कंधों में या कई बार हाथों के नीचे तक भी जाता है लेकिन सामान्य रूप से यह नहीं जाता है ऐसे में इनको संभवतः एक तो अपनी जांच प्रॉपर करा करके प्रॉपर जो है इवन जो थायराइड के जो टेस्ट हैं वो भी इनको कराने चाहिए और थायराइड के टेस्ट करा के कैल्शियम विटामिन डी ये सारी चीज़ें एवेलुएट करा के उसके बाद मेरी समझ से इसमें अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज़ वाला जो पार्ट है जो सर्वाइकल कॉलर है या थोड़ा सा नेक एक्सरसाइज हैं योग हैं उनकी अगर हेल्प लेंगी तो शायद इनको जल्दी और दूसरे एक चीज़ और समझ में जो आती है इनका वेट 75 के आसपास है तो एक ये भी बड़ा फैक्टर है तो थोड़ा सा वेट कंट्रोल करें नेक की एक्सरसाइज पे ध्यान दें और क्योंकि चूँकि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया है प्रॉपर उन्होंने टेस्ट करवाए होंगे तो उन्होंने निश्चित रूप से उनको कैल्शियम विटामिन डी इनसे संबंधित या पेन किलर कोई ऐसी दवाएं ज़रूर दी होंगी साथ में एक ऐसी जो स्थितियां होती हैं उसमें इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है अगर आप चाहें तो किसी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास भी जाएँ और थोड़ा सा जो है कुछ दवाएँ ऐड ऑन करवा लीजिए और पंचकर्म की कुछ चिकित्सा होती है जैसे एक ग्रीवावस्थी होती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक आपको कर सकते हैं आप अगर बिहार में हैं तो पटना में अच्छा सेंटर है उस पर आप जा सकती हैं वहाँ जाके आप अपना एक बार कर सकते हैं तो एक इसमें इंटीग्रेशन कर लीजिए योग आयुर्वेद और एलोपैथिक तीनों का एक इंटीग्रेशन करिए बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे ठीक है पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष अब आप अपना प्रश्न पूछिए नमस्ते मैम नमस्कार दरअसल मुझे मेरे और मेरे मदर दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना था जी कि दरअसल हमारे और हमारे माँ दोनों जो हैं उनके दाहिने दाहिने साइड में ही दर्द रहता है घुटनों में ठीक है हेलो जी जी मैम तो माँ की क्या है कि उनको तकरीबन आज चार पांच साल से दाहिने घुटने में दर्द रहता है और उनके कमर में भी दर्द रहता है हड्डियों में ठीक है और मुझे चूंकि मेरी उम्र तीस साल है और मेरे भी दाहिने घुटने में ही दर्द रहता है और अभी कुछ दिन पहले मैंने वॉकिंग वगैरह शुरू किया है तो तकरीबन पांच किलोमीटर जॉगिंग करने के बाद कुछ दिनों तक कुछ दिनों से मुझे आराम महसूस हो रहा है तो क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या फिर मतलब कितना मिनिमम मेरे को वॉकिंग करना चाहिए क्योंकि कभी कभी मैं दस दस किलोमीटर तक भी वॉकिंग कर ले जाता हूँ तो कम कम से कम कितना मुझे करना चाहिए इसके लिए ठीक है आपने क्या... अपनी वॉकिंग के बारे में बताया है पीयूष आपकी जो माँ है उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है कैसी है वजन माँ की फिजिकल एक्टिविटी मैम सिर्फ वो हाउस वाइफ है तो सिर्फ घर का ही काम करती है और बाकी बाहर का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं और वजन भी उनका तकरीबन नब्बे किलो के करीब है ठीक है ठीक है डॉक्टर तो मल्होत्रा थोड़ा सा पहले आप बताइए दोनों के बारे में जी, क्या तो 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 अक्सर देखा गया है पर वो उसका ये भी कारण हो सकता है कि डायटरी हैबिट भी एक जैसी होती है अभी आपने थोड़ी देर पहले आहार की बात की तो एक पॉइंट उसमें रह गया कि शराब का सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है और वजन भी बढ़ सकता है तो जब हम आहार की बात करते हैं तो उसकी बात करनी जरूरी थी अब ये बात तो, आ, मैं आपके आ, इस पर ध्यान में लाना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पूरे शरीर में दर्द है तो मेरा ये मानना है कि पांच चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो 90 प्रतिशत से ज़्यादा कॉजेज़ जो हैं उसके कारणों को रूल आउट किया जा सकता है पहला आपको डायबिटीज़ तो नहीं है और जैसे जितने आपने बताया कि सेवेंटी फाइव था इनकी मदर का नाइन्टी के था जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है हमारे शरीर में जो इंसुलिन होती है उसकी इफेक्टिवनेस या उसका प्रभाव कम होता जाता है तो ऐसे लोगों में डायबिटीज होने का बहुत खतरा रहता है और डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो पूरे शरीर में दर्दें होती है तो कई बार हम लोग डायबिटीज ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि रोगी आके बोलता हैं पूरे शरीर में दर्द होती है तो हम ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं दूसरा विटामिन डी की कमी उस पर भी ये बात अभी हुई थी कि विटामिन डी की कमी से डॉक्टर जया ने भी बोला था कि विटामिन डी की कमी से ऐसा हो सकता है तीसरा गठिया है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उसमें भी जैसे हमने बताया एंक्लोजिंग स्पॉन्डेलाइटिस के पेशेंट को कमर में दर्द घुटने में दर्द सब कहीं दर्द है चौथा थायराइड अभी डॉक्टर रमाकांत ने थोड़ी देर पहले बताया कि थायराइड की जांच कराएं और पांचवा डिप्रेशन अक्सर कोई अगर ये आके बोलता है कि हमें बाकी कारण नहीं लगते तो हम ये पूछते हैं आपको नींद ठीक से आती है कि नहीं आती है क्योंकि कई बार डिप्रेशन जब होता है तभी इंसान के पूरे शरीर में दर्द होता है तो वजन जो है अपने आप में भी बहुत सारी बीमारियों का घर है शुगर के लिए ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट प्रॉब्लम के लिए घुटनों के लिए स्पाइन के लिए एंकल के लिए पैर के लिए तो वो ध्यान रखें अगर वजन कम करते हैं तो अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो होगी नहीं अगर है तो उसके लिए दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी या कई बार इवन हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो जाए और इन्होंने कहा कि कभी कभी दस दस किलोमीटर तक करते हैं और जब इन्होंने वॉकिंग या जॉगिंग की है तो इनको आराम मिला है तो ऐसा है कि जिस आपका शरीर ही आपको बता देगा अगर आप जॉगिंग कर पा रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है हमें अगर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है एक बात मैं जरूर यहां करना चाहूंगा क्योंकि घुटनों के दर्द की बात हो रही है जब भी हम अपना घुटना मोड़ के उसके ऊपर वजन डालते हैं तो हमारे शरीर का सात से दस गुना वजन घुटने पर पड़ता है और इसलिए आप जो भी ऐसी गतिविधियां करते हैं एक्टिविटीज करते हैं जिसमें आप घुटना मोड़ के उसके ऊपर वजन डालते हैं तो वो आपके घुटने के लिए बहुत खराब है चलना आपके घुटने के लिए अच्छा है लेकिन जॉगिंग अगर आप ज्यादा स्पीड से करते हैं तीन से पांच किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा करते हैं तो स्ट्रेन पड़ता है अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो घुटना मोड़ के उसके ऊपर वजन डालते हैं आप ज़मीन पे बैठते हैं आप इंडियन टाइप की शौच का भारतीय शौच का इस्तेमाल करते हैं तो इन सब कंडीशन में आपके घुटने पर बहुत जोर पड़ता है और मेरी सलाह आपको ये है कि अगर आपको घुटने में दर्द है तो ये सब गतिविधियाँ करने से बचें ठीक है डॉक्टर जया जब हम कई और बीमारियों की भी बात करते हैं तो तमाम ऐसी बीमारी होती है जो हमें बाद में संकेत देती हैं वो शुरू बहुत पहले हो गई होती है तो क्या घुटनों में जब दर्द शुरू हो रहा है वही एक संकेत है या और भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए सबसे मुख्य कारण है मोटापा हुँ. तो अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको वहीं पे थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए और एक हमें अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज जरूर शामिल करनी चाहिए और एक्सरसाइज भी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मतलब अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो एकदम से कोई हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ना शुरू करें मान लीजिए आपको जॉगिंग करनी है तो आप वॉकिंग से शुरू करें पहले दस मिनट वॉक करें पंद्रह मिनट वॉक करें क्योंकि घुटना उसके लिए तैयार नहीं होता कि एकदम से आपने हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज शुरू कर दी और अपना जो वज़न पे कंट्रोल तभी होगा जब आप अपनी डाइट मॉडिफ़ाई करेंगे तो लाइफ स्टाइल चेंजेस थोड़े करने हैं आपको हाई हील के शूज़ नहीं पहनने ताकि फ्लैट शूज़ पहनने से घुटने पे स्ट्रेस नहीं आता है क्योंकि बॉडी को एकदम स्टेबल रखने के लिए हमारे क्वाडरी सेप्स पे स्ट्रेस आता है अगर हम हाई हील पहनते हैं उसी तरह अगर हम खड़े होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सीधे खड़े हों कई लोग एक टांग पे खड़े होते हैं टेढ़े खड़े होते हैं तो उससे भी घुटने पे स्ट्रेस आता है तो ये जनरल मैनेजमेंट की चीजें हैं तो अगर आप सीधे खड़े होंगे तो उससे भी घुटने पर स्ट्रेस नहीं आएगा तो ये सब चीजें हैं और हम अपने खाने में जितना भी ये जंक फूड है ये सब ना खाएं और जितना ये अगर हम जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर थोड़ा कम कर देंगे और सब्जियां और फल ज़्यादा खाएंगे तो हमारे ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और हमारा वज़न भी कम रहेगा और हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस और या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है ठीक है आ, जैसे आप लोगों ने कहा ख़ासतौर से दूध और पनीर को लेकर लेकिन लोग ये मानते हैं कि जो दूध पनीर और दूध से बनी चीज़ें हैं वो हड्डियों को मज़बूत करती हैं तो इसे लेकर सच्चाई क्या है और बुज़ुर्गों को क्या ये मान ही लेना चाहिए कि अगर उम्र बढ़ रही है तो घुटनों में दर्द हो गई या इसे भी रोका जा सकता है इसको रोका जा सकता है और ये बिल्कुल हम लोग कभी ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि आप बिल्कुल भी सब छोड़ दीजिए दूध का और पनीर का सबका अपना अलग इम्पोर्टेंस है और जैसे मैंने रेफरेंस दिया था यूरिक एसिड की कंडीशन में वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट बहुत हार्मफुल हो सकते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो एक निश्चित मात्रा तक जो है मिल्क प्रोडक्ट वो ले सकता है और जो डाइट है उसको अगर प्रॉपर रखेंगे एक आयुर्वेद में बहुत अच्छा कोटेशन दिया हुआ है एक हमारे यहाँ एक थेरेपी होती है जिसको रसायन चिकित्सा बोलते हैं रिजुवेनेशन थेरेपी तो उसमें क्या है एक सुषु संहिता का कोटेशन है कि पूर्वम वयसी मध्य व मनुष्य से रसायनम ऐसे करके कहा है तो जो मतलब या तो यंग एज में आपको जैसे बॉडी के लिए अच्छी जो रसायन औषधियाँ लेनी है या टॉनिक्स लेने हैं वो यंग एज में यूजफुल नहीं होते वो ओल्ड एज में जाके भी यूज़फुल नहीं होते तो बीच में जो एक होती है एज जैसे सो ये आप समझ लीजिए करीब अट्ठारह साल से लेकर के पचास साठ साल तक के जो बीच की एज होती है उसमें रसायन सेवन की बात कही है तो अगर उसमें आप जो है जैसे मान लीजिए समय के अनुसार जैसे अपने खान पान में हम लोग कहते हैं ना कि बादाम ले लो चार बादाम ले लो ये ले लो तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं उस समय यंग एज में आप थोड़ा सा घी भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है आजकल स्टडीज ये प्रूव भी कर रही हैं इवन आप समझ लीजिए कि जो ग्रेड वन ग्रेड टू फैटी लीवर होते हैं उनमें भी आजकल कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है घी लेना घी है बस ये कि घी का बहुत उसको खौलाना नहीं है बहुत आप, का ध्यान हाई उसको गर्म नहीं करना है नहीं। लेकिन अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं उसमें एक चम्मच आपने पाँच ग्राम घी डाल लिया तो वो आपके लिए शायद वो सोने पे सुहागे जैसा काम करेगा लेकिन अगर आपने उसको फ्राइड है जैसे मान ली वही है कोई कढ़ाई में घी में समोसा तला जा रहा है वो आप खाएंगे तो शायद वो नुकसान कर जाएगा तो घी नहीं खाना है ये बिल्कुल नहीं हम लोग कभी एडवाइस नहीं करते कि घी नहीं खाना है उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है दूसरे एक बहुत अच्छा प्रश्न था अभी कि एक्सरसाइज कितनी करें वो जो हमारे दर्शक थे उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रश्न किया था तो उसमें उसमें भी देखिए आयुर्वेद का बहुत अच्छा कोटेशन है कि जितना व्यायाम कितना करना है बलार्ध तक करना है बलार्ध की उन्होंने वो परिभाषा बताई है कि मतलब जितनी अपनी जो कैपेसिटी है उससे फिफ्टी परसेंट और बलार्ध की परिभाषा बताई जैसे जब माथे पे पसीना आना शुरू हो जाए सांस की गति जो है थोड़ी जब आपको लगे कि अब मुँह से सांस लेने की जरूरत पड़ने वाली है उतनी तेज़ सांस की गति हो जाए माथे से पसीना आने लगे और शरीर पे थोड़ा जो कान है इसके आसपास पसीना दिखने लगे तो व्यायाम को वहीं रोक देना चाहिए तो एक ही जो बलार्थ की स्थिति है निश्चित ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक्सरसाइज कितनी करें खान पान कैसा रखें इसके संबंध में बहुत अच्छे ये तभी मैंने कहा ना कि इंटीग्रेशन शायद फ्यूचर का एक जो मेडिसिन है वो इंटीग्रेशन है और अगर दोनों पैथी या हम कहते हैं तीनों पैथी का इंटीग्रेशन हो तो वो और ज्यादा फायदे दिखा सकता है रोगों। एक और कॉलर है सुनील ने हमें दिल्ली से कॉल किया है कमर में दर्द है और चले जाता है, है पार्किंसन के अंदर दवाईपैथी में कुछ दिख नहीं है और मुझे ऐसा पर्स बताया गया किसी ने कि इसके अंदर यूरिन थेरापी आएगी आई यूरिन थेरापी क्या उससे कुछ फायदा होगा सुनील जी आप थोड़ा बने रहिए डॉक्टर मल्होत्रा आप सुनील जी से और सवाल कुछ करना चाहते हैं आ, यूरिन की थेरेपी के हाँ, बारे में पार्किंसन तो, का भी जिक्र किया और पेन का भी जिक्र कर रहे हैं देखिए ऐसा है कि पार्किंसनिज के व्यक्ति को घुटने तो घिस ही सकते हैं तो हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो पार्किसनिजम होता है और उनके घुटने खराब होते हैं हम उनमें घुटने बदलते भी है अगर बिल्कुल खराब हो गए लेकिन हम जरा थोड़ा सचेत रहते हैं और पेशेंट को भी सचेत रखते हैं क्योंकि पार्किसनिज्म के पेशेंट को कई बार गिरने की बड़ी प्रवृत्ति होती है और अगर आप गिरते हैं और आपको नी रिप्लेसमेंट हुआ और उसके आसपास हड्डी टूट जाती है तो वो बड़ी विकट समस्या हो जाती है तो बिल्कुल इसको देख के कि पेशेंट को वाकई इससे फ़ायदा होगा या तकलीफ बहुत कम है उसी में करते हैं लेकिन पार्किसरिज़म का सीधे कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंध नहीं है वजन अगर आपका ज़्यादा है तो आपको चाहे पार्किसरिज्म है या नहीं है दोनों ही अवस्था में आपके घुटने घिस सकते हैं और आपको तकलीफ कर सकते हैं और जो काओ यूरिन को लेकर डॉक्टर यादव इन्होंने पूछा है इसे लेकर क्या कितनी सच्चाई है कितना मिथ है और क्या हर जगह इतनी आसानी से उपलब्ध है या कई बार होता है कि नकली चीज़ें भी मिलती हैं तो क्या इसके बारे में आप क्या राय देंगे जी जैसा कि यह है निश्चित रूप से काओ यूरिन का जहाँ तक प्रश्न है उसमें बहुत डाउट है एक्चुअली और हम लोग भी जो है उसको अपने जो हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में है डायरेक्ट कोई ऐसा काव यूरिन थेरेपी या इस तरीके की चीज़ हम लोग अभी नहीं किसी प्रकार की कर रहे हैं लेकिन कावयूरिन जो है बहुत सी जो मेडिसिन होती हैं उनकी प्रोसेसिंग में भी काम आता है तो सबसे जो उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें बहुत हैं अगर मान लीजिए आप देखेंगे कि गाय कैसी होनी चाहिए है ना और गाय कहाँ पर है किस वातावरण में रह रही है अब मान लीजिए अगर आपकी जो है कोई स्ट्रे एनिमल है गाय है सड़क पर मान लीजिए वो पॉलीथीन खा रही है या कुछ ऐसा है तो अब उसके यूरिन में तो उतने गुण नहीं होंगे निश्चित रूप से और इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने आइडियल कंडीशंस में और जो है और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है उसके हिसाब से जो ये देसी ब्रीड की काउज़ हैं देसी काउज़ हैं जैसे शाहीवाल है गिर है या इस तरीके के जो देसी ब्रीड हैं उनकी यूरिन ही यूज़फुल है और बाकी जो हमारे फ्रिजियन है या जर्सी है या बहुत सी और जो वैरायटी की काउज़ आती हैं उनका यूरिन शायद उतना यूजफुल नहीं है जैसा कि स्टडीज़ बताती हैं ठीक है परंतु ये हमारी जो देसी ब्रीड भी है इनको अगर हम एक आइडियल माहौल में रखते हैं अपने घर में रखिए काऊ को एक गाय की सेवा करिए और गाय को जो है अच्छे से दाना पानी खिलाइए और उसका जो है अगर आप उसका यूरिन यूज़ करते हैं तो शायद उसमें कोई बहुत नुकसान नहीं होगा चाहे तो आप उसको थोड़ा फिल्टर और कर लीजिए तो शायद उसका बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा सच कोई डायरेक्ट ऐसा कोई उसका कहना कि गौमूत्र का आर्थराइटिस में या इसमें यूज है तो ऐसा डायरेक्ट यूज जैसा कुछ नहीं दिया हुआ है परंतु गौमूत्र का बहुत सी अन्य जगहों पर भी पे यूज किया हुआ है लेकिन इकट्ठा कैसे कर रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं

मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि होम्योपैथी कितना बड़ा सहारा बन सकती है या कितने परसेंट रेट है जब हम घुटनों में दर्द की और खास तौर से युवाओं की तो बात हमने की है बुज़ुर्गों में तो तकलीफ रहती है घुटनों की तो होम्योपैथी कितना बड़ा सहारा बन सकता एक तो जितना ये जल्दी आ जाए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास उतना अच्छा है और जो डैमेज हो चुका वो तो रिवर्सिबल नहीं होता लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आगे और डैमेज ना हो और पेशेंट को जो पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिले और हम आगे के लिए उसको ऐसा कर देते हैं कि वो फर्दर उसकी एग्रवेशन ना हो जो भी डैमेज नी में हो गया है और उसको अपने खान पान में और एक्सरसाइज वगैरह का हम थोड़ा सा बता देते हैं तो ये सब उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और उन्हें एक होम्योपैथिक दवा ऐसी दी जाएगी जो वो लंबे समय तक लेंगे और काफ़ी टाइम तक चल चलेगी उनकी दवाई और वो इस दर्द से तो निजात पा लेंगे और उसके बाद अगर वो अपने खाने पीने का ध्यान रखें और अब थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करते रहें या स्टेशनरी साइकिल्स आती हैं थोड़ा उसको यूज करें तो ताकि बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी बनी रहे तो वो अपना लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक रख सकते हैं ठीक है ज्योति ने कॉल किया है हमें उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं ज्योति आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बताइए आपका प्रश्न क्या है मैं मेरे की ना तो उनके लगातार में में और दर्द रहता है आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक मैम हार्ट डॉक्टर को दिखा दिया है और सारे डॉक्टरों को टेस्टिंग दिए हैं और में, अंगूठे में, है। में, में आपका वजन कितना है जो है ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा जी तो जो अंगूठे के बिल्कुल बेस पे या जड़ पे दर्द और घुटने में दर्द तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही आसार हैं और हम देख रहे हैं आजकल लगातार बार बार ये बात हो रही है कि ऐसा भी हुआ है कि हमने 40 साल की स्त्रियों को देखा है जिनके घुटने एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो गए पूरी तरह से घिस गए हैं कि कोई रास्ता ही नहीं था और मजबूरन उनमें जोड़ बदलना पड़ा क्योंकि हड्डी के ऊपर हड्डी हो गई थी तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम ज़रूर है और इसके लिए उनको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए दो बातें या तीन बातें मैं ज़रूरी यहाँ कहना चाहूँगा कई बार ऐसा होता है कि घुटने के एक्सरे सामने से किए जाते बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि नी कैप के पीछे आर्थराइटिस होता है जो कि स्त्रियों में बहुत सामान्य रूप से पाया जाता है और वो ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने से या ज़मीन पर बैठने से या जैसे कुछ देर पहले एक दर्शक ने कहा कि मेरी माता जी जब काम करती हैं तब उनको दर्द होता है तो अगर ज़मीन पे जैसे वो पोछा मारती हैं या जमीन पे घुटनों के बल काम करती हैं तो ऐसे रोगियों में ये हो जाता है दूसरी बात यह है कि कई बार कूल्हे की बीमारी जो होती है उसमें घुटने में दर्द होता है उसको हम रेफर्ट पेन कहते हैं बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है तो अगर ये कहती हैं कि घुटना नॉर्मल है और इनको घुटने में तकलीफ है तो ऐसे में ज़रूर इनके कूल्हे के एक्सरे करके मैं देखना चाहूंगा तीसरी बात यह है कि एक घुटनों में और तकलीफ़ होती है जिसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए आपको या पेट में इन्फेक्शन हो जाए डायरिया हो जाए आँखों में कुछ लाली आ जाए उसके साथ में अचानक दोनों घुटनों में दर्द हो सकता है सूजन हो सकती है और वो उसमें कोई घुटने में इन्फेक्शन नहीं है या वो एक तरह से एलर्जी है जो कि आपको यूरिन में या पेट में इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो युवा लोगों में जिनमें एक्सरे नॉर्मल है और घुटने में दर्द हो रहा है इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए ठीक है एक आखिरी कॉलर विशेष ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं शुक्रिया विशेष हमें कॉल करने के लिए बताइए आपका सवाल क्या है मैम है ना मेरे ना बेटे के घुटनों में दर्द रहता है कब से है ये तकलीफ आपको मेरे नहीं मेरे बेटे के लिए, मेरे के बेटे? है आपके बेटे उनके हाँ। दोनों घुटनों में दर्द रहता है उनकी उम्र क्या है हाँ तेरा जी उनकी उम्र क्या है विशेष की उम्र क्या है बताइए विशेष ऋषभ ऋषभ बताइए उनकी उम्र क्या है तेरह साल की तेरह साल की उम्र है आपने डॉक्टर को दिखाया है अभी तक नहीं दिखाया तो नहीं लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी दर्द ही रहता है आप हमारे साथ कॉल पर जुड़े रहिए डॉक्टर यादव आप कोई और सवाल इनसे करना चाहेंगे बहस तेरह साल की उम्र है और घुटनों में दर्द है एक्चुअली ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं वो तो एक आर्थराइटिस की तरफ को शो करता है दूसरा तेरह साल की उम्र है बच्चा एडोलशेंट एज में है मतलब शरीर में परिवर्तन बहुत से हॉर्मोनल लेवल पर आ रहे हैं तो शायद एक ये भी एक ऐसी स्टेज में कई बार ये पैरों में की हड्डियां हैं उनमें दर्द बने रहना कुछ बच्चों में देखा जाता है तो यहाँ इनका सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि आप जांच करवाइए पहले क्योंकि तो चाइल्डहुड केस में अगर आर्थराइटिस है तो उसके कारण बहुत होते हैं कुछ कारण गंभीर भी होते हैं तो आप पहले उसकी जाँच कराइए जाँच करा के उसको अगर कोई कमी है सिंपल मान लीजिए कोई कैल्शियम है विटामिन डी है ऐसी कोई कमियाँ हैं वो बहुत आसानी से वो दूर हो जाएंगी और बाकी कोई और रिलेटेड समस्याएं हैं उन पे भी समय रहते आप उससे निजात यानी जो सकते पहला स्टेप है वही इन्होंने अभी पूरा नहीं किया भिल्कुण। भिल्कुण। पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं सारी जांच कराएं तब पता चलेगा कि आखिर दर्द की वजह क्या है और उस हिसाब से आप फिर जो ट्रीटमेंट है वो आगे ले सकते हैं एक और कॉलर हमारे साथ है नागेंद्र ने हमें कॉल किया है हम उनका कॉल ले लेते हैं नागेंद्र शुक्रिया कॉल करने के लिए जल्दी से बताइए आपका प्रश्न क्या है मैडम जी मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी मैडम जी हम ठंडी बरसात में जब धान के खेतों में वैसे भी खेतों में जब काम करना पड़ता है घुटनों तक अगर डूबे हुए होते हैं पानी में और झुक करके काम करना पड़ता है तो घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और मेरी बात नहीं है पूरे क्षेत्र के लोगों को तो क्या ये मौसम की मौसम का प्रभाव है या कोई और मतलब वजह है कि ये मतलब यहाँ पर पानी की कोई बात है जी ठीक है आप शुरू हुआ यो... पहले हमारे बुजुर्गों को ऐसा नहीं होता था तो क्या ये मतलब जो जो मिलावटी चीजें हैं या खाद या जो दवाइयां जो खेतों में डाली जाती हैं उसका कारण तो नहीं है ठीक है नागेन जी डॉक्टर मल्होत्रा बहुत ही अच्छा सवाल है बुजुर्गों में नहीं होता था वो भी वही काम करते थे जी अब ये लोग कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं तो क्या वजह क्या है उसके पीछे जी तो एक तो यही है कि जो हमारी जो नई वाली जीवन शैली है मॉडर्न लाइफस्टाइल है जो पुराने लोग थे वो दिन में कई बार 20 20 किलोमीटर चलते थे ओवरवेट नहीं होते थे जंक फूड नहीं खाते थे तो एक तो वो है दूसरा ये है कि मैंने अभी आपसे बताया कि जब हम उकड़ू बैठ के या आलती पालती में बैठते हैं या भारतीय शौच का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है आपके शरीर का सात से दस गुना बदल उसमें पड़ सकता है आप इसको खुद भी आज़मा सकते हैं आप उकड़ू बैठ जाएं और पाँच मिनट के बाद जब उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके घुटने के सामने से और अक्सर ऐसी जो लोग गतिविधियां करते हैं उनके नी कैप के पीछे जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो जाती है और उससे ऐसा कारण होता है तीसरी जो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई वो ये थी कि जो बरसात में तो ऐसा होता है एक्चुअली हमने भी ये नोट किया कि अगर अचानक मौसम में परिवर्तन होता है अचानक ठंड हो जाती है अचानक नमी हो जाती है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ऐसे में जोड़ों के दर्द अक्सर बढ़ जाते हैं तो वो भी एक कारण है कि पानी में लगातार काम कर आपको अक्सर लोग बताएंगे कि एयर कंडीशन में जब सोते हैं रात को तो जोड़ अकड़ जाते हैं बहुत तकलीफ हो जाती है तो ऐसे में उन्हें बताना पड़ता है कि आप ज़्यादा ठंडे में ना सोएं आप जानते हैं कि जब आप गर्म सिकाई करते हैं तो जोड़ों में दर्द में राहत मिलती है तो मौसम का प्रभाव जोड़ों पर पड़ता है और ये जो उकड़ू बैठ के करने का काम है इसमें आजकल क्योंकि पहले जो लोग खेतों में काम करते थे लगातार अब अगर आप सिर्फ वो उनकी जीवन शैली में रोज ये गतिविधियां होती थी अब आप अगर साल में सिर्फ एक या दो बार जब कटाई के समय वो काम करेंगे तो आपके शरीर को उसकी आदत नहीं है तो जीवन शैली में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से इनको कठिनाई आ रही है जो इनके पूर्वजों को नहीं थी ठीक है और उसके लिए कर क्या सकते हैं ये उनके लिए यही कर सकते हैं कि अब अगर जिसको उकड़ू बैठने में दर्द होता है अब उसको तो उकड़ू बैठने से मना ही करेंगे तो फिर जो भी है मैकेनाइजेशन करे या आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करे या फिर किसी और को इस काम पे लगाएं किसी युवा लड़के को बच्चे को जो काम कर सकता है ठीक है मैं थीक थीक एक है, दवाई जी, बताना जी जी बताइए एक होम्योपैथिक दवाई है आप लीजिए रस्टॉक्स 200 हंड्रेड ये सुन रहे हैं जी 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 वो सुन रस्टॉक्स टू हंड्रेड एक दवाई है वो आप लीजिए दिन में तीन बार और पहले पंद्रह दिन लीजिए और फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि इस शिकायत की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ठीक है जो ये डैम्पनेस या पानी में खड़े होके जो इन्हें दर्द हो रहा है तो ये रस्टॉक्स 200 हंड्रेड और और उस, उसको थोड़ा अवॉइड भी करें पानी में खड़ा होने को क्योंकि वही इनका एक्साइटिंग कॉज है तो ये लें वो दवाई बिल्कुल तो ये फायदा हो सकता है और किसी अच्छे होम्योपैथी विशेषज्ञ उसके बाद कंटिन्यू कर लें बिल्कुल और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है डॉक्टर राजेश मल्होत्रा आपका डॉक्टर जया गुप्ता आपका और डॉक्टर रमाकांत यादव आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो आपने भी देखा तीनों विशेषज्ञों ने जो जरूरी सलाह और सुझाव दिए हैं वो अपनाइए और जो युवाओं में जो जोड़ों के दर्द की और घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं जीवन शैली में परिवर्तन करके सही तरह से व्यायाम और सही तरह से संतुलित आहार को अपनाकर अपने जो घुटने हैं उनको सेहतमंद रख सकते हैं तो इन बातों का इन सलाह और सुझाव का ध्यान रखिए अगले हफ्ते हम बात करेंगे आपकी और हमारी किडनी की सेहत की तो कैसे रखिए अपनी किडनी को सेहतमंद इस पर करेंगे चर्चा अपने सवाल अगले शनिवार ठीक दोपहर एक से दो के बीच आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं फिलहाल अपना अच्छे से ख्याल रखिए इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार